नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नव किसान फाइनेंशियल लिमिटेड से लोन लेने के लिए ऑनलाइन हमें कहां से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद हमें कहां पे कांटेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां आना होगा गूगल पे, यहां से इसके बाद अपन चलते हैं जो नव किसान की वेबसाइट है उस पर चलते हैं। आप गूगल पे डालेंगे नव किसान फाइनेंशियल लिमिटेड तो उससे उसकी साइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप होम पे जाएं। ठीक, यहाँ से देखिए, ये आपको फ्रंट में, यहाँ लेफ्ट में भी आपको ये अप्लाई नाउ का दिख रहा है, ये ऊपर भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, कहीं भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना के लिए एड आ रहा है, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हो तो वैक्सीन लगवाएं कृपया। ठीक है, अप्लाई ऐप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लोन इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे हमें प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी एफपीओ का नाम फिल करना है, जो कॉन्टेक्ट पर्सन है एफपीओ का, सीईओ है या कोई डायरेक्टर है तो उनकी डिटेल यहाँ फिल करना है। ठीक है, यहाँ जो है मोबाइल नंबर आ जाएगा कॉन्टैक्ट पर्सन का, उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, कंपनी की वेबसाइट यदि कोई हो, यहाँ कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, इसके बाद रजिस्टर अंडर है ना, यदि कंपनी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी भी एक्ट के अंतर्गत आपका एफपीओ या एफपीसी रजिस्टर्ड है वो एक्ट यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेलेक्ट करें, टाइप करें। ठीक है, रेटिंग बाय नाबार्ड। ठीक है, यदि आपकी नाबार्ड के अंतर्गत है तो उसके द्वारा क्या रेटिंग दी गई, यदि अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर दें यहाँ पे आप, है ना। यहाँ डज द एफपीओ सीईओ है आपकी, एफपीओ में यदि हो तो यस करें, अन्यथा नो करें। ठीक है, यदि ये प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब यदि किसी एनजीओ या किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या सीबीबीओ के अंतर्गत आपका एफपीओ बना है ना, तो उस स्थिति में आपको उसकी डिटेल यहाँ फिल करना है, उस संस्था का नाम, उसके कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, यहाँ उनका नंबर, एड्रेस। ठीक है, इसके बाद हमें जो हमारा एफपीओ है उसके बिजनेस रिलेटेड, उसके वित्तीय जानकारी, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ फिल करना होती है आगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर, एफपीओ कितने मेंबर हैं, उनकी संख्या हमें यहाँ पे फिल करना होती है, 1, 2, 500 जितने आपके हों, 300, 500 या 200 जितने भी हो। ठीक है, उसके अलावा डज द एफपीओ हैव अ बिजनेस प्लान, यदि आपके पास आपका कोई बिजनेस प्लान है तो यह यस करें, अन्यथा नो करें। ठीक है, एक्टिविटी अंडरटेक, यदि आप कोई एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे करना है, एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी, पाँच एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी में आप हैं यहाँ आप कर दें। ठीक है, आप पे कितने साल की आपकी एफपीओ की ऑडिटेड बैलेंस शीट अवेलेबल है, 1 साल 2 साल या 0, जो भी है वो यहाँ पे करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप फाइनेंशियल ये वो करें, किस फाइनेंशियल, पिछला जो वित्तीय वर्ष है जिसकी ऑडिट है, 19, 20, 21, 21, 22 जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितनी है आपकी, रिजर्व कितना है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग कितनी है ना, एनुअल टर्नओवर कितना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है ना, यदि एफपीओ ने कोई डिफॉल्ट किया है तो यस करें, अन्यथा नो करें। ठीक है, एसोसिएशन विद नाबार्ड से यदि आपको कोई एसोसिएशन है तो उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल देना है आपको। ठीक है, आपने पहले कोई मतलब अन्य किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यदि लोन या अन्य कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके रखा है तो यहाँ यस करें, अन्यथा नो करें, है ना। आप इसके बारे में किस वर्किंग कैपिटल का लोन चाहते हैं, टर्म लोन चाहते हैं या मोर्गेज लोन चाहते हैं, प्लेस लोन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं, जो भी वो आपको टिक करना है। उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे आप मैसेज के रूप में उन्हें टाइप करके सबमिट कर देंगे, तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ये सबमिट हो जाने के बाद वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज आप भी यहाँ देखिए ये कॉन्टेक्ट अस पे जा सकते हैं, यहाँ से हर स्टेट का जो रीजनल इनका जो ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस, बिजनेस ऑफिस, ये देखिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स जो हैं इनके हर स्टेट के और वहाँ के ऑफिस जो हैं उनका नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिस पे जाते क्लिक करते हैं अपन, है ना। तो ये देखिए हर स्टेट के आ गए हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये पूरे स्टेट जो हैं उनका, ये मध्य प्रदेश का यहाँ पे दिया गया है, ये दीपक मालवी जी और सौरभ शर्मा जी मध्य प्रदेश के, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद। ठीक है, और उस पर आगे प्रोसेस करा सकते हैं। तो और इन व्यक्तियों और इन संस्था से कांटेक्ट करके आप अपनी लोन एप्लीकेशन अप्रूव करा के लोन प्राप्त कर सकते हैं और एफपीओ को आगे बढ़ा सकते हैं। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।